इस वक्त असी जिहड़ा हड़ प्रभावित सुल्तानपुर जिला कपूरथला का इलाका है, भरुआणा जिहड़ा पिंड है, बड़ा कैंप लगा हुआ पिछे गुरद्वारा साहब देख सकते हैं, इतिहासिक गुरद्वारा साहब है, रबाबसर गुरद्वारा साहब। ये एक सेंटर पॉइंट है जिथे प्रभावित पिंडा के लोग जिहड़े अफेक्ट होए ने, साडियां सत्कारयोग बीबियां भैणां बजुर्ग, बल्कि इत्थों तक कि पशु जिहड़े ने वो बहुत बुरी तरह पीड़ित होए ने। ये सारे पिंड जिहड़े ने, चाहे वह सरूपवाल है, चाहे वह शेख मंगा है, चाहे वह मंड इंद्रपुरा है, चाहे वह टिब्बी है, अते होर बहुत सारे हज़ारां लखां की तादाद में एकड़ जमीन तुसीं देखोगे एक दरिया की शक्ल च, एक समुद्र की शक्ल में बनया होया वा। इस तो पहला कि मैं अपनी गल अगे करा, साडे हलका भलाचो बहुत आदरणीय सत्कारयोग जिहड़े NRI बैठे ने बाहर, हालांकि आपां पंजाब दे साडे ताकतवर लोग जिहड़े ने पोलिटिकल बंदे ओह NRI दी प्रॉपर्टियां ते नजायज़ कब्जा कर रहे हैं जगराओं वाली कोठी का, लेकिन NRIs नूं फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो भलथ तो साढ़े दो तीन चार परिवारों ने, जिदा कुलदीप सिंह साबका सरपंच ने पिंड पंडोरी के, बच्चे अमेरिका रेंदे ने, उन्होंने अपने पिता जी को कहा कि जरूर दे कर बेजुबानियां नूं ज़्यादा दे के आयो, चारा दे के आयो। इस तरह ही निशान सिंह जी पिंड काला, इन्हों के भाई साहब ने मान सिंह जिहड़े मौजूदा सरपंच ने, इन्हों के बच्चे रेंदे ने इटली और UK दे विच, इन्हां ने अपने पेरेंट्स नूं मोटिवेट किया कि दे के आओ। तो असी दो जिहड़ियां ट्रॉलीज ने, ट्रैक्टर ट्रॉली ते एक वड्डा कैंटर जिहड़ा, ये असी राशन का और ज़्यादा समान लेके आए हैं, जिहड़े तकरीबन कुछ 125 क्विंटल जिहड़ा पशुओं का मक्की का चारा हुंदा वा, क्योंकि ये तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, मंग भी नहीं सकते, वो ये कोई सेवा नहीं, ना ये किसी का एहसान है, ये सिर्फ जो असी तिल फुल सारे पा सकते सी। तुसी सारे पंजाब चो सारियां जथेबंदियां धार्मिक समाजिक पोलिटिकल सारियां लगियां हुई ने, उन्हां सब का मैं स्वागत करदा, उन्हां सब का धन्यवाद करदा कि अज पंजाब नूं तुहाडी लोड़ है। और मेरे नाल अज सरदार नवतेज सिंह चीमा जिहड़े इत्थे साबक विधायक ने सुल्तानपुर लोधी दे, उन्हां दे पिछे किरणजीत सिंह संधू साहब मिठा साहब तरन तारण तो, अते होर साडे सहयोगी अज इत्थे पहुंचे हैं। असीं इह समान तो चलो असीं दे के जाना ही जाना, तो कोई गल नहीं, लेकिन मैं थोड़ी जी चर्चा करना चाहुंदा कि ये हड़ आउंदे क्यों ने, ये और हड़ा तो किसी सरकार ने सबक क्यों नहीं सीखा। सब तो वड्डा हड़ जिहड़ा मैनू याद है 1988 च आया सीगा, हुण तुसीं ला लो अंदाज़ा कि तकरीबन 34-35 साल हो गए ने, और उस तो दरम्यान छोटे छोटे हड़ इस इलाके 2019 भी पानी बहुत आया, पर किसी गवर्नमेंट ने कोई यदा कोई सबक नहीं सीखा। और ये हड़ प्राइमरली ये बरसात का पानी नहीं गा, बरसात का पानी जिन्ना भी बारिश का आता, साड़ी धरती समर्थ है कि वो इस पानी नूं कंज्यूम कर लेंदी है। जो बरसात 3-4 दिन लगातार पैंदी, पहाड़ा च पैंदी, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर जिहड़े उत्थों दे डैम्स ने, वेन दे स्टार्ट गोइंग बियॉन्ड डेंजरस लेवल, चाहे वह भाखड़ा डैम है, चाहे वह पोंग डैम है, चाहे सरस्वती डैम है पंचकूले के लागे, उन्होंने जो पानी नूं रिलीज़ करते हैं, वो बहुत वड्डा इफेक्ट पंजाब दे पैंदा वा। साडा दरिया घग्गर वो फिर कहर मचाउंदा वा संगरूर पातड़ा पटियाला उधरली मालवे की धरती के उत्ते। इस तरह ही सारा जिहड़ा सतलुज का दरिया हैगा, वो लुधियाने तो पिछों शुरू हो के लुधियाने का जो गंद हैगा इंडस्ट्री का, बुढ़े नाले का, वो सब चक के इन्हां पिंडां दे विच साडे खेतां विच लै आउंदा। इस तरह ब्यास दरिया और हरिके बराज में आण के जिहड़े दोनों दरिया इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हां दा पानी जिहड़ा वा वह फिर मालवे के उत्ते या पिछे सारा माझे के दुआबे नूं भी बहुत नुकसान पहुँचाउंदा। इहदा शुक्र करो कि पाकिस्तान ने अपने हेडवर्कस खोले हुए ने, जिहड़ा हरिके दे पुल दे पानी आ हेडवर्कस ते, वो बहुत सारा हिस्सा पानी पाकिस्तान ने कंज्यूम कर लिया, ये बावजूद भी पानी बहुत ज़्यादा, और यदा इफेक्ट यह होया घर तबाह हो गए ने, माल डंगर मर गया वा, इन्हां दी फसल तो बिल्कुल 100% लॉस्ट है। और एक कल छोटे मोटा लॉस अस तो एक सिर्फ एक तन एक तुसी बन सुल्तानपुर खड़े हैं, ये लॉस सारे पंजाब दे विच आपां गिणांगे तां ये लखां एकड़ का लॉस है। और मैं कहना चाहुंदा कि सबक नहीं सीखा किसी ने भी, मैं मगरलियां सरकारां नूं भी जिम्मेवार ठहराउंदा सीधा सीधा कि जिहड़ा उन्हां दे कोल बजट हुंदा इरीगेशन डिपार्टमेंट का, सारे दरियावां दे बन्नां नूं मजबूत करना, उहदी मेंटेनेंस करना, इन्हां दी रिस्पोंसिबिलिटी है इरीगेशन डिपार्टमेंट की, ड्रेनेज विभाग की, बल्कि जिहड़े जिन्ने कैनाल्स ने नहरां ने उहदी मेंटेनेंस रेगुलर हर साल बरसात तो पहलां, और इस तरह जिहड़े खाले ने कस्सियां ने सारियां दी मेंटेनेंस, अज तुसीं सारे अच्छी तरह जिहड़े पुराने बंदे ने वह याद करनगे 35-40 साल पहलां रेगुलरली दरिया के बन्नां दे उत्ते बेलदार इन्हां दा जिहड़ा स्टाफ सीगा, इन्हां दे जिहड़े अपने जूनियर इंजीनियर्स, इन्हां जिहड़े STO XCM रेगुलर मेंटेनेंस हुंदी सी, उह जिन्ने ब्रीचेस हुंदे सी उन्हां नूं प्लग करके रखदे सी कि बरसात होण वाली आ, कोई कमज़ोर थां ना रहि जाए। अज जे पंजाब दे विच हड़ वर्गी स्थिति बनी हुई आ, उह पूरन तौर पर जदों अपने दरियावां दे बन्नां नूं इन्हां ने मेनटेन नहीं किया, इन्हां ने ध्यान नहीं किया, इन्हां ने अपने
जिहड़े साढ़े नहरां जांदियां ने उहदे बन्नां नूं मेनटेन नहीं किया उहदा इफेक्ट और कागज़ां विच सब कुछ हो रहा वा। हर साल तुसीं इरीगेशन डिपार्टमेंट ते ड्रेनेज डिपार्टमेंट का अगर बजट कढोगे तो पैसे करोड़ों सैकड़े करोड़ों की तादाद लग रहे हैं लेकिन असल में नहीं लग रहे, जिहदा खमियाजा मुड़ के आम जनता नूं, गरीबां नूं, किसानां, खेत मजदूरों नूं ये भुगतना पैंदा। अज ये खमियाजा पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। हुण आ गई गल मौजूदा सरकार की, मैं किसी की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता लेकिन ये सरकार का भी कोई रोल पिछलियां सरकारां नालों बेहतर निकल ठीक है। तुसीं फोटोआं खिचा रहे हो, तुसीं पानी दे विच खड़ के पजामे टंग के अपनियां फोटोआं सोशल मीडिया फेसबुक से पा रहे पर हल नहीं गा। प्रताप सिंह कैरों ने इन्हां दरियावां नूं बन्न लाए सीगे। मेरा नहीं ख्याल प्रताप सिंह कैरों ने किसी दरिया दे विच खड़ के पजामा टंग के अपने पैर जिहड़े गंदे दिखा के ते उह लोकां नूं दसण दी कोशिश कीती कि मैं दरियावां नूं बन्न लाते ने, और दरिया नूं बन्न लाउणा कोई छोटी गल नहीं सीगी। लेकिन हुण सरकारां ज़्यादा पबलिसिटी, मशहूरी और इश्तहारबाजी इहदे च पै गई आ। असल काम चंडीगढ़ विच बैठ के जिहड़ा एरियल सर्वे कहिंदे ना कि जहाज़ां च घूमदे उह वी कोई लोड़ नहीं, अजकल सैटेलाइट इमेजेस, सारे पंजाब की सैटेलाइट इमेज अपने को आ चुकी है। कल्ले कल्ले डिस्ट्रिक्ट नूं तुसीं मैप कर सकते हो, कल्ले कल्ले तहसील नूं किन्नी फसल खराब हुई, किन्ना नुकसान होया, सारा कुछ तुहाडे सामने है। लेकिन उस नवीं टेक्निक नूं छड्ड के आपां सिर्फ दिखाउणा चाहुंदे आ कि मुख्यमंत्री साहब पानी दे विच वड़ गए, पैर लिबड़ गए, पजामा लिबड़ गया। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन लाइज फ्रॉम चंडीगढ़, वेरी स्ट्रोंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 10 दिन तो जब का यह हड़ आया वा कोई स्ट्रोंग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, आज जिन्नी सेवा हो रही तुसीं आप जनता नूं लोकां नूं पुछ सकदे हो। ये सारे आप मुहारे पंजाब के पिंडां चों लोकी इकट्ठा करके राशन NRIs विच योगदान पा के धार्मिक ते समाजिक जथेबंदियां ने आ सारा जिहड़ी मदद की इहनां दी आण के हुण तक सारी उत्थे होई आ। गवर्नमेंट दे वल्लों कोई पुख्ता कार्रवाई, कोई इस तरह दा एफर्ट जिहदे नाल लोकां दे विच कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड होवे मैनूं तां नज़र नहीं आया। हाँ, फोटोआं जरूर सोशल मीडिया से जरूर हर MLA या जिहड़े इहनां दे हैगे रूलिंग पार्टी वाले अपने अपने पाणियां च वड़ के वो अपनी कोशिश कर रहे, चलो जे उन्होंने मदद भी की असीं उहदा भी स्वागत करदे हां। पर अज आम आदमी पार्टी के भगवंत मान नूं लोड़ हैगी कि यह जिहड़ा बहुत वड्डा सीरियस इशू और ये रीअकरिंग आ, ये अज भी आया वा, हो सकता 2-3 साल बाद इस तरह ही उपरों डैम्स का पानी दरिया रही आवे तो फिर बन टुट जाए तो फिर यह रिपीट होवे, क्योंकि पिछली काफ़ी अरसे तो साड़ी सारी गवर्नमेंटा ने कोई सबक नहीं सीखा। ये मैं समझता कि बहुत सीरियस इशू वंस एंड फॉर ऑल ये एड्रेस होना चाहिए। चलो छोटा मोटा नुकसान हो गया, कोई छोटी मोटी नहर टुट गई, तो जे दरियावां दे बन ही टुटन लग गए, जो उहदे च ही ब्रीचेज आउण लग गई तो फिर वह मैं समझदा कि नुकसान लगातार आम जनता नूं होवेगा। असीं अपने वल्लों एक जिदा मैं पहला कहा कि साडे वल्लों बहुत छोटी जी सेवा हैगी आ, असीं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते पर जिन्ना भी असीं करन दी कोशिश की। मैं पिछला एक हफ्ता पंजाब दे विच है नहीं सीगा, किसी बड़े जरूरी करके काम करके बाहर गया होया सीगा। तुरंत आउंदिया सार पहला काम असीं इह कीता कि अज अपने जिले के सुल्तानपुर लोधी के इस फ्लड अफेक्टेड विच असीं आए हैं, और मैं एक बार फिर धन्यवाद करना अपने सारे परिवारों का, जिहड़े NRIs ने मेरे इलाके के लोगों ने जिन्होंने साथ दिता वा सारिया का, जो इतने हाजिर ने, और असी समान इतने जिहड़े इतों के मोहतवार सज्जण ने उन्होंने असी फड़ा के जावांगे, वो अपने आप अल्टीमेटली इस अच्छे तरीके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो मैं एक बार फिर तुहाडा सारिया नाल जुड़न लई, और मैं फिर कहूँगा कि सरकार नूं इत्थों बहुत सीरियस इशू सबक सीखना चाहिए, और ये दोबारा सिचुएशन फ्लड्स की इस पद्धर के उत्ते ना राइज होवे, इहदा की असी प्रिकॉशनस लै सकते हैं अगले सालों वास्ते, इहदा इहनूं किद्दां रोकिया जा सकदा, किद्दां बैटर मेनटेनेंस रिवर्स की और सारे जिहड़े बन ने उन्हां दी ते कैनाल्स ते कस्सियां दी ते खालियां दी सफाई हुंदी रहे लगातार जिद्दां पहलां हुंदी सी किसे वेले, तां ही साडे दरिया जिहड़े ने उह इक हड़ वाले सिचुएशन तो लोगों को बचा सकते हैं। मेरे नाल जुड़न वास्ते तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं सारी संगत का भी धन्यवाद करदा और प्यार नाल फतेह प्रवान करनी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू।